हेलो दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियोस लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। एल लंबाई और डब्लू भार की एक समान सीढ़ी का पाद, बोले तो एक सिरा किसी रुक्स क्षितिज ज़मीन पर और दूसरा और ऊपर वाला सिरा किसी चिकनी दीवार के सहारे स्थित है। यहाँ तक का ग्राफ देख रहा हूँ बेटा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए ये तो मेरी ज़मीन है, ये तो है भूमि, ओके, और ये मेरी है दीवार, ऊर्ध्वाधर दीवार। कहना चाह रहा है क्वेश्चन के एल लंबाई और डब्लू भार की एक समान सीढ़ी का पाद, बोले तो एक सिरा रुक्स क्षितिज भूमि पर और दूसरा और ऊपर वाला सिरा चिकनी दीवार के सहारे है। यानी जो सीढ़ी लगी हुई है वो सीढ़ी ऐसे लगी हुई है, ये तो है नीचे की तरफ मेरी भूमि, और ये है मेरी दीवार। ध्यान से देखना बेटा, दीवार का एक सिरा, सॉरी सीढ़ी का एक सिरा तो हुआ ये ए, सीढ़ी का दूसरा सिरा हुआ बी। कहना चाह रहा है कि एल लंबाई की, सीढ़ी की जो लंबाई है वो टोटल कितनी है भाई? एल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक सीढ़ी की लंबाई एल, ओके। कहना चाह रहा है कि उसका भार कितना है? W। अगर सीढ़ी का भार W है तो आप जानते हो जो उसका भार है, भार जो काम करता है उसके गुरुत्व केंद्र यानी बिल्कुल बीचों बीच काम करता है। मान लिया सीढ़ी का जो भार है वो यहाँ से नीचे की तरफ काम कर रहा है और इसका मान है W। इस बिंदु को मान लिया मैंने जी, ओके, गुरुत्व केंद्र के हिसाब से। अगर भार नीचे की तरफ काम कर रहा है तो मेरा प्रतिक्रिया बल बिंदु ए पर ऊपर की तरफ होगा। ये मेरा हुआ प्रतिक्रिया बल और इसका नाम दिया मैंने आर, क्लियर। और दूसरा प्रतिक्रिया बल मेरा होगा कहाँ? इस तरफ होगा एस। आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है कि सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर से झुकाओ, सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर से झुकाओ अल्फा है। देखना ये मेरी सीढ़ी है ए बी, ये तो होगा अक्षितिज से झुकाओ, ये होगा ऊर्ध्वाधर से झुकाओ। ये कह रहा है कि ये कितना है? अल्फा है, ओके। आगे देखता हूँ बेटा, पाद से सी दूरी पर स्थित बिंदु पर, पाद से सी दूरी पर, मान लिया सी दूरी ये है, ये वाली दूरी दी हुई है सी दूरी पर स्थित बिंदु पर कोई क्षितिज बल पी सीढ़ी को दीवार की ओर सीधा दीवार की ओर खींचा जाता है। पाद से सी दूरी पर स्थित बिंदु पर, पाद से सी दूरी पर स्थित बिंदु पर कोई क्षितिज बल, यहाँ से कोई क्षितिज बल लगा हुआ है ऐसे, से सीढ़ी को दीवार की ओर, यानी ये जो क्षितिज बल लगा हुआ है पी, ये इस दिशा में लगा हुआ है, ये मेरा पी लगा हुआ है जो कि उसको दीवार की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। आगे कहना चाह रहा है, सिद्ध कीजिए कि पी का मान, पी का मान मेरे को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? कि पी बराबर जो है कितना है? एल डब्लू अपॉन एल माइनस सी म्यू प्लस वन अपॉन टू टेन अल्फा, ये मेरे को सिद्ध करना है, ओके। से अधिक होना चाहिए, ओके। जहाँ आगे कह रहा है कि म्यू पाद का घर्षण गुणांक है, ध्यान से सुनना बेटा, घर्षण गुणांक की बात कर रहा हूँ। अगर मान लिया जाए ये जो सी डी ए बी है इस पर, ये इस बिंदु को मैंने मान लिया M, या चलो खैर इस बिंदु को आप M मान लो,
इस सीढ़ी पर इस तरफ बल लगा हुआ है, जब इस तरफ बल लगेगा तो घर्षण बल की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होगा घर्षण बल, इस तरफ काम करेगा। और घर्षण गुणांक जब म्यू है तो घर्षण बल का मान कितना होगा, म्यू आर होगा। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। हम जानते हैं, ये रखा है मेरा क्वेश्चन, हम जानते हैं सीमांत संतुलन में सीमांत संतुलन में देखना बेटा, ये जो आर है ना, ऊपर की तरफ वाला बल किसको कंट्रोल करेगा, जो नीचे की तरफ लग रहा है। इधर जो बल लगा हुआ है वो किसको कंट्रोल करेगा, जो इस तरफ लगा हुआ है, जिसकी वजह से सीढ़ी रुक सकती है। अगर मान लिया पी को बढ़ा दिया, सपोज दैट, आप थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर पी को बढ़ा दिया सीढ़ी अंदर की तरफ पहुँच जाएगी, अगर पी को मैंने कम कर दिया घर्षण बल बढ़ा तो सीढ़ी नीचे गिर जाएगी, आपके सामने है। क्लियर है ना, सीमांत संतुलन की पोजिशन में डब्लू जो कवर करेगा किसको कवर करेगा, यानी आर बराबर जो होगा वो डब्लू के बराबर होगा। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलता हूँ। हमारे पास जो होता है बेटा, अतः आघूर्णों के सिद्धांत से क्या होता है भाई, आघूर्णों का सिद्धांत हम जानते हैं, आघूर्णों का बीजीय योग किसी निश्चित बिंदु के परीत है, सदैव शून्य होता है। आगे की तरफ देख रहा हूँ बेटा, यहाँ तक के तो क्लियर। अब बात आती है आघूर्ण लेने की। मेरे पास बिंदु B है, उसके परिधि भी आघूर्ण ले सकता हूँ। बिंदु A है, A के परिधि भी आघूर्ण ले सकता हूँ। मैं ले रहा हूँ बिंदु B के परिधि, कहते हैं B के परिधि आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई, आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा निश्चित बिंदु से, बल गुणा डायरेक्ट लिख रहा हूँ लंबवत दूरी, कहाँ से, निश्चित बिंदु से, या जिस बिंदु के विपरीत है आघूर्ण ले रहा हूँ, निश्चित बिंदु से। यहाँ मेरे पास आघूर्ण का जो फार्मूला होगा वो होगा आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, कहाँ से, बिंदु B से, मैंने B के परिधि आघूर्ण लिया है बिंदु B से। ओके, अब देखता हूँ कंसेप्ट क्या है बेटा। एक जो ताकत लगी हुई है, एक जो बल लगा हुआ है, वो पहले वाला बल कितना लगा हुआ है, W लगा हुआ है। क्लियर है ना, W बल
नीचे की तरफ है। बिंदु बी के सापेक्ष, ध्यान से सुनना, बिंदु बी के सापेक्ष डब्लू बल की लंबवत दूरी ये वाली होगी। इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ से देखो आप, बल नीचे की तरफ है, यहाँ से लंबवत दूरी देखो इस बिंदु के सापेक्ष। मान लिया मैंने ओ, मान लिया, और इसको मान लिया मैंने एन। ओके, बी के जो है, जो मेरे पास जो ताकत है यानी बल गुणा लंबवत दूरी कितनी, ओ एन। क्लियर है ना। अगले वाला गुण देखता हूँ पहले, निशान की बात मैं आप सब बाद में करूँगा। अगले वाला जो मेरा लगा हुआ है, पहले वाला बल तो ये हो चुका, दूसरे वाले बल की बात कर रहा हूँ बेटा। एक बल लगा हुआ है मेरा म्यू आर, चलो भाई एक लगा हुआ है मेरा म्यू आर बल। ये बल काम कर रहा है ऐसे, ऐसे जा रहा है ना, इसके सापेक्ष बिंदु बी के सापेक्ष इस बल की लंबवत दूरी, बिंदु बी के सापेक्ष म्यू आर की लंबवत दूरी कौन सी है, ओ बी। क्लियर। आगे की तरफ देख रहा हूँ भाई, एक बल लगा हुआ है मेरा आर, बल गुणा आर, बल तो ये है भाई, इस बी के सापेक्ष जो लंबवत दूरी है कितनी होगी, बल ऐसे काम कर रहा है, बल से लंबवत दूरी देखो आप कितनी हुई, ओ ए। आगे की तरफ चलता हूँ भाई, एक बल काम कर रहा है मेरा पी, मेरा बल काम कर रहा है पी, नो प्रॉब्लम, पी से दूरी देखता हूँ। अगर बाय चांस मैं इसको ऐसे बढ़ा दूँ, सपोज दैट, आपके फ़ायदे के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, यानी बल काम कर रहा है ऐसे, बिंदु बी से लंबवत दूरी इसको मान लिया मैंने कितना, जे मान लो, पी गुणा लंबवत दूरी कितनी है, जे बी। आगुणों का बीजगणितीय योग होता है जीरो के बराबर। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर डब्लू माइनस में है तो आर प्लस में होगा, क्लियर है ना, म्यू आर सदैव पॉजिटिव होगा। अब बात आती है पी की दिशा की, ये तो सिंपल है, आप डायरेक्टली लगा सकते हो, आर माइनस में ले लो, डब्लू प्लस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, बल पी जो लगा हुआ है वो ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से इसको अंदर की तरफ ले करके जा रहा है। अगर मेरे पास लगने वाला बल घड़ी की दिशा में हो, ऐसे हो, तो आघूर्ण का निशान क्या होता है, बल आघूर्ण का निशान होता है नेगेटिव। और अगर ऐसे हो घड़ी की विपरीत दिशा में, ऐसे देखो घड़ी कैसे चल रही है, ये घड़ी की दिशा में पी, पी ऐसे काम कर रहा है, यानी ऐसे इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से, यानी घड़ी की दिशा में है हम लोग, घड़ी की दिशा में है तो नेगेटिव, और घड़ी की विपरीत दिशा में अगर ऐसे घुमाने की कोशिश होगी तो ये होगा पॉजिटिव। क्लियर है ना। ओके, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैंने लिखा है, एक लाइन और लिख रहा हूँ, मेरे पास निकला डब्लू ओ एन प्लस म्यू आर ओ बी प्लस आर ओ ए माइनस पी जे बी इज इक्वल टू ज़ीरो। पुनः मेरे को लेकर के चलना है सीमांत संतुलन, क्योंकि सीढ़ी गिननी नहीं चाहिए, सीमा का संतुलन, सीमा प्लस अंत प्लस संतुलन, पुनः सीमांत संतुलन का कंसेप्ट लगा रहा हूँ, सीमांत संतुलन में आर बराबर कितना है भाई, आर बराबर है मेरा डब्लू के, देखो आप मेरे पास कितना निकला भाई, माइनस के डब्लू ओ एन प्लस के म्यू, आर की वैल्यू डाल दी मैंने डब्लू ओ बी प्लस आर की वैल्यू डाली मैंने डब्लू ओ ए माइनस पी जे बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक डाउट, नो आगे चलते हैं।